सुरजीत सिंह राजपूत नाम है, मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला मंत्री भी रहा हूँ और जिला पंचायत सदस्य का मुझको टिकट भी मिला है और जिला पंचायत प्रत्याशी भी रहा हूँ मैं। क्या मामले तो यह है कि जो प्रशासन है, प्रशासन में कुछ लोग बैठे हैं वे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं और हमारे जो बड़े नेता हैं उनको मीटिंग करने के अलावा कोई समय नहीं है कार्यकर्ताओं को फ़ोन उठाने का। सांसद जी को तो कभी फ़ोन समय है ही नहीं उठाने का। जैसे कल हमारे यहाँ एक नरेश राजपूत को भी बिन कारण मारा गया, रात के 1:30 बजे मारा, ज्ञानेंद्र पटेल ने दारू पी के। ऐसे जैसे मेरी गाड़ी यहाँ जालौन से आ रही थी ईंटा भर के, अब चूँकि बारिश चल रही है, बारिश का समय है तो हो सकता है कि ईंटा तो ओवरलोड हो ही जाएगा 1 टन, तो जाके उनने सीधा उसका चालान कर दिया। क्या है अधिकारियों का मतलब, अधिकारियों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का भी जब इतना अरेंजमेंट कर दे तो आम आदमियों का क्या क्या होगा। मतलब बड़े नेता पार्टी में बिजी हैं, नीचे नहीं देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ क्या हाल है। और प्रशासन बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुका है, प्रशासन को अगर पैसा दे दो तो सब कुछ हो जाएगा, पैसा नहीं दो सारी चीज़ें तो कुल मिला के कार्रवाई चाहिए। आप बालू के खनन देख लीजिए, आप डंप देख लीजिए, जिनका उनका रॉयल्टी नहीं है उससे ज़्यादा डंप लगे हैं। बालू के घाटों को चेक कर लीजिए कि नदियों को खोल रखा है, सब कुछ कर दिया, रोडों को उखाड़ दिया ओवरलोडों से, जो कम से कम गट्टी के निकल रही है, किरोसिन से माल निकल रहा है उसको नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि वो पैसे देते हैं हर थाने पर उनका। वहाँ देखा जाए तो कई थानों पर उनका महीना बंधा है 3,000 रुपये गाड़ी का, किसी का 5,000 रुपये, किसी का 10,000 रुपये, तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी ना। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि भाई मैं सांसद जी से और सभी लोगों से प्रार्थना करूँ कि जैसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई नहीं होती तो भाई हम लोग सांसद जी के लिए वोट नहीं डालेंगे, ना हमारे गांव से कोई वोट डलेगा, ना हम लोगों उनसे कोई मतलब है, ना हमें कोई भारतीय जनता पार्टी से मतलब, हम लोग सभी लोग हम लोग छोड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी। भाई अगर अधिकारियों पर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो